नमस्कार, मैं हूँ करिश्मा कौशिक और आप सभी ने मेरी बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी। आप सभी का बहुत सारा प्यार भी मिलता है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही कुछ खास लेकर आई हूँ। हालांकि अगर मैं इस शब्द का नाम लूँगी तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही कॉमन होगा। आज हम बात करेंगे कि कर्म क्या है, व्हाट इज कर्मा। अब आप सभी ने इस चीज़ के ऊपर बहुत सारी कथन सुने होंगे। इस शब्द का अगर देखा जाए तो श्रीमद् भागवत गीता में भी वर्णन दिया गया है और हम एक चीज़ बार बार बोलने का प्रयास करते हैं कि हम अपने कर्म अगर अच्छे रखेंगे तो हमें आगे चल के सब कुछ अच्छा ही मिलेगा। मगर क्या आप जानते हैं कि कर्मा है क्या? कर्मा आप कितने भी अच्छे कर लीजिए, कितने भी अच्छे कर्म कर लीजिए, मगर कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता ही पड़ता है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी भी किसी का गलत नहीं सोचा या कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मगर फिर भी हम लोगों को इतनी तकलीफ जीवन में क्यों उठानी पड़ती है। तो देखिए, कर्म को अगर हम देखें, कर्मा को अगर हम एक संस्कृत वर्ड है, अगर इसको एक संस्कृत शब्द की तरह देखें तो इसका अर्थ है क्रिया। यानी हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं। अब क्रिया बहुत सारी होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कोई चीज़ दान कर रहे हैं तो वो हमारे कर्मों में जुड़ रही है, या ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं तो वो हमारे कर्मों में जुड़ रही है। क्रिया का एक तरह से अर्थ है कि हम क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं और उस चीज का हमारा क्या रिएक्शन होता है, हम क्या करते हैं। इन सभी चीजों का अर्थ एक तरह से हमारे कर्मों से जुड़ा है, यही हमारे कर्म है। अब देखिए, आप मन में एक प्रश्न ले करके बार बार परेशान होते हैं कि हमने किसी का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर क्या आप जानते हैं आपसे जाने अनजाने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे कर्म हुए होंगे। क्योंकि ये जो समय है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, जब एक बच्चा जन्म लेता है तभी से ही उसके कर्म शुरू हो जाते हैं। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने कभी कुछ गलत ना कहा हो या कभी भी किसी ऐसे शब्द का प्रयोग ना किया हो जिसके वजह से किसी सामने वाले व्यक्ति के मन पे ठेस ना पहुंची हो। तो यही छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, चाहे हमारा एक छोटा सा किसी बात पे क्रोध आना यानी गुस्सा आना, वो भी हमारे कर्म हैं। तो हम एक दिन में लाखों करोड़ों बार कर्म करते हैं और यही कर्म हमारे एक एक करके कर्माज में जुड़ जाते हैं। अब इसका फल कौन देता है? भगवान देते हैं? ऐसा नहीं है, हमारे कर्मों का फल हमें भगवान नहीं देते हैं। मगर आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। कर्म क्या है? कर्म एक तरह से बीज की तरह है, जैसे बीज आप बोएंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। भगवान इसका फल आपको नहीं देंगे। अगर आप एक छोटे बच्चे से सही तरह से व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बड़े होने के बाद आपके साथ सही व्यवहार करें। तो यही हमारे कर्मा है। हमें अपने मन में ये चीज़ें ना रख करके अपने ये छोटे छोटे जो कर्म हैं इनको सही करना चाहिए, ताकि हम हमारे जीवन में आगे मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। और साथ ही साथ ये जो कर्माज हैं, ये जो क्रियाएं हैं छोटी छोटी, इन्हीं से ही हमें अच्छे फल मिले, हमारे रिश्ते अच्छे बने, हमारे आगे चल के जो आने वाले संतान हैं, जो बच्चे हैं, वो हमें रिस्पेक्ट करें, यही हमारे कर्मा है। नमस्कार।